सर, सोशल मीडिया पे कुछ इस समय धार्मिक द्वेष के बातें चल रही हैं, उससे आप कैसा महसूस करते हो? इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सारी चतरा की जनता को मेरी तरफ से यही अपील है कि जितने भी इस तरह के धार्मिक द्वेष के या कोई भी इस तरह की भावना के बहकावे में ना आए, पूरी तरीके से सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समन्वय स्थापित करके सब लोग रह रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक यहाँ पे हम रह रहे हैं। सभी सारी इस कम्युनिटी, सारे संप्रदाय, सारे धर्म, कहीं किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। जरा सा भी कानून को या किसी भी तरीके की स्थिति को अपने हाथ में बिल्कुल भी ना लें, और अगर कहीं पर किसी पर्सन को कोई बहुत रियल डेंजर कोई नज़र आता है, कोई रियल इशू नज़र आता है, तो हमारे कंट्रोल रूम में या पुलिस के अंडर रूम में बताएँ। सोशल मीडिया पे जितने भी मैसेज जो हैं आ रहे हैं, कर रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से अगेन चेतावनी है कि सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके का भड़काऊ मैसेज अगर कोई किसी ने प्रसारित किया तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, और जो उसमें जितना भी दंड होगा वो दंड भी उस पर किया जाएगा। किसी भी तरीके से भी जो आम जनता है उनको भी अपील है कि सोशल मीडिया पे जितने भी मैसेज आते हैं वो सारे के सारे सही नहीं होते। उसमें से बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जो फेक होते हैं, गलत होते हैं, भड़काऊ होते हैं, भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं, तो कृपया उन करके उन पर यकीन ना करें। हमारे कंट्रोल रूम में, पुलिस के अंडर रूम पे फ़ोन करके पता करें कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात झूठ है, और उसके बाद ही जो यहाँ से डायरेक्शंस मिले उस तरीके से रिएक्ट करें। लेकिन किसी भी तरीके से जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने के किसी भी तरीके के बहकावे में ना आए। चतरा में ये बहुत इतिहास रहा है कि सारे संप्रदाय, सारी कम्युनिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं और एक दूसरे के साथ में पूरी समन्वय के साथ में रहते हैं। यह भी तरीका, यह भी टाइम है जहाँ पे हम सब लोगों को अपनी सॉलिडरिटी दिखाना है, हम सब लोगों को अपनी एकता दिखानी है, और जो हमारे सामने इतना बड़ा दुश्मन है कोरोना वायरस, उससे लड़ना है साथ में, रादर देन कि हमारा ध्यान कहीं इधर उधर भटके और हम कहीं और इधर उधर चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोरोना वायरस से हमें कैसे बचना है, अंदर घरों के अंदर रहें, किसी भड़काऊ भाषण पर ध्यान देना दें या किसी भड़काऊ मैसेज पर ध्यान ना दें, घरों में अंदर रहें। सरकार, जिला प्रशासन, सभी लोग आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, और जो जो जिस जिस तरीके की चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिवली की जा रही हैं वो सारी की सारी आप लोगों के लिए की जा रही हैं। निश्चिंत रहें, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चतरा जिले में सारी की सारी स्थिति बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल शांतिपूर्वक है, और मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि चतरा जिले की सारी जनता इस जो हमारे टेस्टिंग टाइम्स हैं, जो चैलेंजिंग टाइम्स हैं, इन टेस्टिंग टाइम्स से बाहर निकल के बहुत अच्छे तरीके से आएंगे और इस कोरोना वायरस को हम सब मिलकर हरेंगे। PDS के लेकर के सर एक के खिलाफ FIR हुई है, बाकी PDS वालों के लिए कोई पैगाम? जी, गिद्धौर में कल एक ये मैसेज आया था, हमें शिकायत मिली थी कि वहाँ पर कुछ कुछ इररेगुलरिटीज पाई गई, और जब हमने इंक्वायरी करवाई तो वो सही पाई गई, तो आज हमने उस PDS शिकायत के आलोक में FIR भी कर दी है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी किया है। तो सारे PDS डीलर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि इस संकट की घड़ी में कोई भी अगर PDS डीलर ये सोचेगा कि मैं इसमें कुछ पैसा बना लूँ या कुछ कम राशन दे के या इसको प्रॉफिटेयरिंग करके कुछ कर लूँ, तो वो निश्चिंत, वो इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें कि कानून में जो भी सख्त से सख्त प्रोविजन होंगे वो उनके ऊपर किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी। थैंक यू। थैंक यू।